तो हेलो दोस्तों, आज हम फिर से लेकर आ गए टिकटॉक के एक नए ट्रेंड वीडियो को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, इस टाइप का वीडियो जो है टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। दोस्तों इस टाइप का वीडियो आप कैसे बना सकते हैं टिकटॉक के लिए, आज के वीडियो में इसी का ट्यूटोरियल जानने वाले हैं। तो आपको प्ले स्टोर से या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस का आइकन पर क्लिक करना है। प्लस का आइकन पर क्लिक करने के बाद 9:16 वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद मीडिया पे आना है। मीडिया पे आने के बाद आपको बैकग्राउंड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे कलर जो है वाइट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद डन कर देना है। डन करने के बाद इसको आपको 10 से 12 सेकेंड के आसपास वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आपको ये देखना है वीडियो जो है कितने सेकेंड का वीडियो है। तो दोस्तों मैंने वीडियो जो है 10 से 12 सेकेंड के आसपास वीडियो शूट किया था। दोस्तों मैंने वीडियो को यहाँ पे 12 सेकेंड के आसपास कर दिया हूँ। फिर से यहाँ पे मैं 4.0 पे सेलेक्ट करके स्प्लिट कर देता हूँ। तो सिंपल आपको किस तरह से करना है, यहाँ पे मैं फिर 6.0 पे करता हूँ। तो वीडियो के लेयर पे क्लिक करना है, कैची के निशान पे क्लिक करना है, स्प्लिट का यहाँ पे आपको कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों आपको 2 सेकेंड के आसपास पे आपको स्प्लिट कर देना है। तो यहाँ पर देखते वीडियो जो हमारा 5 से 6 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। इसके बाद फर्स्ट वाले वीडियो के लेयर पर क्लिक करना है। इसके बाद हमें कलर पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों जो भी कलर चाहिए यहाँ पर कलर हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 6 कलर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद लेयर पे आना है। लेयर पे आने के बाद मीडिया पे आना है। मीडिया पे आने के बाद जो वीडियो हमने नॉर्मल मोबाइल फ़ोन से वीडियो को शूट किए थे वो वीडियो को यहाँ पे हमें और इसके बाद इस वीडियो का पहले साउंड को हमें साइलेंट कर देना है। और इसके बाद वीडियो के लेयर पर क्लिक करना है। इसके बाद हमें साइज़ जो हमें फुल साइज़ कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कुछ पार्ट एक्स्ट्रा हो रहा है, तो हमें यहाँ से थोड़ा हल्का कम बेस भी कर सकते हैं। वीडियो जो हमारा बिल्कुल पूरे सेंटर में हो चुका है। इसके बाद फिर से हम क्लिक करना है। इसके बाद हमें क्रोमा की पे क्लिक करना है और इसे इनेबल कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो का हमारा बैकग्राउंड जो है, जैसे हमारा आगे की तरफ बढ़ रहा है उस तरह से हमारा बैकग्राउंड चेंज हो जा रहा है। तो इस तरह से आप चाहे तो वीडियो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो फेस पे भी कलर आ रहा है, तो इसके लिए फिर से वीडियो के लेयर पे क्लिक करना है, क्रोमा के में क्लिक करना है। यहाँ पे हमें 83 के आसपास रहने देना है। तो जो हमारा फेस पे कलर आ रहा था वो कलर जो है रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा बैकग्राउंड का कलर जो है ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। यदि आपको यहाँ पर आइडियो ऐड करना है, आपको सिंपल सी आइडियो पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो भी बैकग्राउंड में आइडियो लगाना है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर ऐड कर सकते हैं। तो इसको आपको सिंबल से प्रेस करके रखना है और लास्ट तक लेकर जाना है। इस तरह से आप आइडियो को भी लगा सकते हैं। यदि आपके पास कोई वीडियो है, वीडियो में से आइडियो को ऐड करना है, तो सिंपल से मीडिया पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो भी वीडियो है वीडियो आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो के लेयर पे क्लिक करना है। इसके बाद कैची के निशान पे क्लिक करना है। इसके बाद इस वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है। इसके बाद इससे क्या होगा कि आइडियो भी आपका बाहर आ जाता है। आइडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और लास्ट तक लेकर जाना है। तो इस तरह से आप चाहे तो वीडियो से भी आइडियो को बाहर निकाल कर आइडियो आप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारा आइडियो भी ऐड हो चुका है। तो जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है पहले यहाँ पर ट्रिम टू राइट कर देता हूँ। इसके बाद हमें डन करना है, क्लिक करना है। इसके बाद शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे हमें HD 720p 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। हमारा वीडियो जो है यहाँ पे पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से वीडियो हम इस टाइप के तैयार कर सकते हैं, जो बैकग्राउंड देखने में काफ़ी बेहतरीन लगता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सैलेंट चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आप लोगों के चैनल पर अपडेट होता रहता है। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।